हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनरिच डिजिटल एकेडमी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सौराज इंदर प्लांटेशन तक देखा था कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमको यहाँ से आने वाले हैं। 3 मार्क के क्वेश्चन हमने देखे थे। खिलाफत इशू के बारे में हमने बात करी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में हमने बात करी थी। नाउ हम नेक्स्ट देखेंगे कि स्वराज देखा हमने कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में प्लांटेशन वर्कर्स के ऊपर कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आई, कैसे कैसे उन्होंने उसको फेस किया। अब अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही चल रहा है, अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है। और हमने ये भी देखा था लास्ट क्लास में कि कैसे अलग अलग विलेज में, कंट्री साइड में और सिटीज में लोगों ने उसको कैसे कैसे उस पर रिस्पॉन्ड किया था। कंट्री साइड में लोगों ने उसको कैसे कैसे इंटरप्रेट कर लिया था, गांधी जी के मैसेज को कैसे इंटरप्रेट किया था। अब है हमारा चोरा चोरी इंसिडेंट, हमको पढ़ना है। डेट लिखी हुई है 4 फरवरी 1922। कब ये हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। एट चोरा चोरी इन गोरखपुर यूपी अ पीसफुल डेमोंस्ट्रेशन ऑफ आजाद टर्न्ड इनटू अ वायलेंट क्लैश विद पुलिस। ठीक है, ये जो था चोरा चोरी इंसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि अभी तक तो वायलेंस हो रहा था। हमने देखा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था और वो नॉन वायलेंस को ही सपोर्ट करते थे, लेकिन अब जगह जगह वायलेंस आपने देखा था कि हमने ट्राइबल्स वाली स्लाइड में देखा था कि जो ट्राइब्स थे उन्होंने भी, एलुरी सीताराम राजू, उन्होंने भी वायलेंस में वो बिलीव करते थे कि विदाउट फोर्स हमको आजादी नहीं मिलेगी। लेकिन इंसिडेंट ऐसा था कि ये एक क्या ट्रिगर साबित हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करने के लिए। तो गोरखपुर यूपी में ये हैपन हुआ था, पीसफुल डिमोन्स्ट्रेशन इन अ बाजार। बाजार में एक पीसफुल डिमोन्स्ट्रेशन, मतलब लोगों ने क्या करी थी, गैदरिंग करी थी और वहां पर वो लोग क्या कर रहे थे, धरना दे रहे थे। टर्न इन टू अ वायलेंस क्लैश विद पुलिस। लेकिन ये शांतिपूर्वक ये क्या कर रहे थे, वहां पर धरना दे रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, लेकिन ये केस में टर्न हो गया, वायलेंस में टर्न हो गया, क्लैश हो गया, इनका झगड़ा हो गया पुलिस के साथ। ऑर्डर ओपन फायर, ओपन फायर के क्या हुए, ऑर्डर दिए गए, 3 civilians died and 22 policemen burned dead। ठीक है, तो यहाँ पर जब लड़ाई हुई इंडियंस की और पुलिस की, तो यहाँ पर 3 जो सिविलियन थे इंडियंस थे वो क्या हुए, उनकी डेथ हो गई, और जो 22 पुलिसमैन थे वो जलने से उनकी डेथ हो गई, क्योंकि यहाँ पर गुस्से में लोगों ने क्या किया था, पुलिस स्टेशन पे ही क्या लगा दी थी, आग लगा दी थी। हियरिंग इट गांधी जी कॉल्ड अ हॉल्ट टू द एंट्री। जब गांधी जी ने ये बात सुनी, उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा और उन्होंने चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद इस मूवमेंट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, कॉल्ड ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। तो अगर हम देखें कि क्या टिगर था, मतलब मेन कॉजेस क्या था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कॉल ऑफ होने का, तो हम इसमें लिखेंगे चोरा चोरी इंसिडेंट। 3 मार्क में आपको शॉर्ट नोट भी आ सकता है कि चोरा चोरी इंसिडेंट पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो चोरा चोरी से हमारे 2 क्वेश्चन बन गए। टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि नॉन कोऑपरेशन बहुत सिंपल है कि कॉपरेट नहीं करना है, जहां जहां भी ब्रिटिशर्स को हम सर्विस देते हैं वहां से हमको बायकॉट करना है। आप उसको इजिली समझ सकते हो, इजिली लिख सकते हो। अब देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस में क्या था। इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जब चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ तो गांधी जी ने सोचा कि अब क्या बंद करना है हमको, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करना है। ठीक है, द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस एंड सत्याग्रही नीडेड प्रॉपरली ट्रेन फॉर मास स्ट्रगल। अब गांधी जी ने देखा कि ये वायलेंस में बहुत ज्यादा क्या हो गया, जगह जगह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टर्न हो गया, और उन्होंने सोचा कि अब जो सत्याग्रही, उनको एक प्रॉपर मास ट्रेनिंग की जरूरत है, मतलब मास स्ट्रगल करना है साथ में, अगर हमको स्ट्रगल करना है तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने कौन सी पार्टी फॉर्म करी थी, स्वराज पार्टी फॉर्म करी थी। ठीक है, सी आर दास का फुल फॉर्म है सी आर का चित्रंजन दास। ठीक, विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर इन दोनों ने स्वराज पार्टी बनाई, क्यों बनाई, क्योंकि इनका अपना कांग्रेस में क्या हुई थी, इनकी आर्ग्यू हुई थी पॉलिटिक्स को, मतलब काउंसिल इलेक्शन को लेके, पॉलिटिक्स को लेके इनकी वहां पर कुछ बात बन नहीं रही थी, इस वजह से इन दोनों ने अपनी खुद की पार्टी फॉर्म करी जिसका नाम क्या था, स्वराज। Younger leader like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for more radical mass agitation and for full independence. अब जो younger leader थे उस time पे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, pressed to more radical mass agitation जाते थे। Radical mass agitation मतलब कि कैसे भी, गांधी जी का सिर्फ ये था कि उनको नॉन वायलेंस के थ्रू ही क्या चाहिए, ट्रुथ के थ्रू ही उनको इंडिपेंडेंस चाहिए, लेकिन यहाँ पर रेडिकल वर्ड यूज किया कि मतलब कैसे भी, अगर मारने की भी नौबत आए तो हमको क्या करना है, ये सारी चीजें करनी है, लेकिन इंडिपेंडेंस तो चाहिए ही चाहिए। फैक्टर डेट शेव इंडियन पॉलिटिक्स टूवर्ड्स द लेट 1920। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइट डाउन द फैक्टर्स डेट शेव इंडियन पॉलिटिक्स टूवर्ड्स द लेट 1920।
क्वेश्चन का मतलब है कि 1920 में ऐसे क्या फैक्टर थे जिसने पॉलिटिक्स को, इंडियन पॉलिटिक्स को एक नया शेप दिया, और क्या शेप दिया और क्या फैक्टर्स थे वो? द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन था। इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब है कि इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज्यादा गिरी हुई थी, इकोनॉमी जो थी वो सही नहीं चल रही थी। क्यों नहीं चल रही थी? हमने लास्ट वाले वीडियो में, लास्ट वाली क्लास में देखा था कि उस टाइम पे प्लेग आ गया था, जो एग्रीकल्चर था, कल्टीवेशन था, बहुत जगह क्रॉप फेलियर हो गया था। वर्ल्ड वॉर वन की वजह से भी सारी चीजें क्या चल रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, टैक्सेस इंक्रीज हो गए थे। तो यहाँ पर अब ऐसे नहीं कि इंडिया में ही प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज भी वर्ल्ड वॉर वन में शामिल थी। इस वजह से इकोनॉमिक डिप्रेशन बहुत ज्यादा उस टाइम पे चल रहा था। डिमांडेड फॉर एग्रीकल्चर गुड फॉर एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइंड, जो डिमांड थी एग्रीकल्चर गुड्स की वो उसका फॉल डाउन हो गया, मतलब कि वो उसमें गिरावट आ गई, और एक्सपोर्ट भी क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। एक्सपोर्ट भी धीरे धीरे डिक्लाइन होना, मतलब खत्म होते जाना, मतलब हम बाहर चीजें नहीं बेच पा रहे थे। पीजेंट्स फाउंड डिफिकल्टी सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू, जो पीजेंट्स थे, फार्मर थे, उनको अपनी क्रॉप को सेल करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी। दूसरा, वो पे कर रहे थे, पे देयर रेवेन्यू, उनको जो रेवेन्यू देना पड़ता था। रेवेन्यू मैंने बताया था कि जैसे अगर 50 kg अगर गेहूं हुआ है उनकी खेती में, तो उनको 10 से 20 kg, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, तो ये उनको किसको पे करना पड़ता था? ब्रिटिशर्स को पे करना पड़ता था। तो उनको जब सेल ही नहीं हो रही, जब इनकम ही नहीं आ रही, तो रेवेन्यू कैसे पे करें? By 1930 the countryside was in turmoil. ठीक है, 1930 तक पूरे कंट्री में टर्मोइल का मतलब होता है बहुत ज्यादा उथल पुथल आ गई, बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को। साइमन कमीशन, ठीक है, तो ये आपका एक इतना पार्ट हो गया। ठीक है, क्यों, रीजन क्या थे, फैक्टर क्या थे ऐसे, तो ये फैक्टर्स में आप ये आंसर लिख सकते हो। अब साइमन कमीशन देखते हैं, इस पे यहाँ से क्वेश्चन बन गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइमन कमीशन। इस वाले चैप्टर में शॉर्ट नोट ही अधिकतर मोस्टली पूछे जाते हैं। The Indian members of the Central Legislative Assembly exposed some drawback in the Government of India Act 1919. The Government of India Act आया था 1919 में आया था, जब इसमें कुछ changes लाने की बात कही थी British government ने। लेकिन जो Government of India Act था वो पूरी तरीके से क्या हो गया था, failed हो गया था। इसका कुछ भी अच्छा result output नहीं मिला था। The Indian member of the Central Legislative Assembly exposed some drawback. तो इसके बहुत सारे drawback थे। As a result of it, the Simon Commission was appointed in 1927. So, इसके result में जो Simon Commission थी, उसको appoint किया 1927. It was the constituted by the Tory government of Britain. ये Victoria है यहाँ पर, famous हो गया है. Victorian government of Britain to look into the demands of the nationalists and suggest changes in the constitutional structure of India. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूटेड था बाय द विक्टोरियन गवर्नमेंट, उस टाइम पे क्वीन विक्टोरिया वहां की क्या थी, रानी थी ब्रिटेन की, इसलिए इसको विक्टोरियन एरा भी कहते हैं, विक्टोरियन गवर्नमेंट कहते हैं। तो ब्रिटेन टू लुक इनटू द डिमांड्स ऑफ द नेशनलिस्ट, इन्होंने जो नेशनलिस्ट थे इंडिया के, उनकी डिमांड को देखा एंड सजेस्ट चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, सजेशन दिया कि हम क्या करेंगे, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या बनाया था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था, लेकिन इसके ड्रॉबैक थे, इससे कुछ भी सक्सेस नहीं मिली थी। तो उसके सब्स्टिट्यूट बना के भेजा, क्या बना के भेजा, साइमन कमीशन के नाम से बना के भेजा। और साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन इसके हेड थे, सर जॉन साइमन इसके हेड थे। ठीक है, दिस कमीशन कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर, कितने मेंबर थे कमीशन में, 7। इंडिया बायकॉटेड इट एज देयर वर नो इंडियंस मेंबर द कमीशन अराइव्ड इन 1928. बना कब था, 1927 में बना था। इंडिया कब आया बनके, 1928 में आया, लेकिन इंडियंस ने इसको क्या कर दिया, बायकॉट कर दिया। क्यों बायकॉट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एक भी मेंबर ऐसा नहीं था जो इंडियन हो। अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, इंडिया में चेंजेस लाने की बात कर रहे हैं, और इंडियंस को ही नहीं रखा, तो ये तो सही नहीं था। इस वजह से इंडियंस ने क्या कर दिया, इसको बायकॉट कर दिया। इसमें टोटल 7 मेंबर थे, और सारे ही क्या थे, यूरोपियन से, ब्रिटिशर। It was greeted with Go back Simon. और इसको कैसे greet किया गया, क्या नारे लगाए गए, Go back Simon, Simon वापस जाओ। All party participated in the demonstration. जितनी भी पार्टी थी उन्होंने participate किया Go Simon back, मतलब कि Simon Commission के अपोज में। The Congress protested against the Simon Commission in December 1929 under the presidency of Jawaharlal Nehru. The Lahore session of Congress formalized the demand of Pune Swaraj. तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने, कांग्रेस ने भी इसका अपोज किया, किसकी प्रेसिडेंसी थी, जवाहरलाल नेहरू की थी। द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। और लाहौर सेशन, मैंने बताया था कांग्रेस के सेशन होते थे, अब लाहौर उस टाइम पे कहाँ आता था, इंडिया में ही आता था, क्योंकि पाकिस्तान तो बना नहीं था। तो उस सेशन में डिमांड कर दी पूर्ण स्वराज की, मतलब अब हमको पूरी तरीके से क्या चाहिए,
पूर्ण स्वराज मतलब अपना ही राज चाहिए, मतलब कोई भी ब्रिटिशर्स नहीं चाहिए। पहले से स्वराज की बात करते थे, मतलब ऐसा चाहते थे कुछ लोग कि ठीक है ब्रिटिशर्स करे रूल, कोई दिक्कत नहीं, वो कंट्री को चलाए लेकिन थोड़ा हमारे हिसाब से हमारा भी ध्यान रखे। लेकिन जब देखा कि ब्रिटिशर्स तो चाहते ही नहीं हमारे फेवर में कुछ काम करना, तब डिमांड किसकी हो गई? पूर्ण स्वराज की। इट वॉज डिक्लेयर्ड डेट ऑन 26 जनवरी 1930। कंट्री वुड सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस डे एंड स्ट्रगल फॉर कंप्लीट फ्रीडम। अब देखो यहाँ पर कितनी अच्छी कहानी है, स्टोरी है। जो गांधी जी और नेहरू जी थे उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि उनकी ऐसी विश थी कि वो इंडिपेंडेंस डे कब बनाएंगे, 26 जनवरी 1930 को। हमारा इंडिया का आजाद हुआ था 1947, ईयर में चेंजेस है, ठीक है। तो उनका ऐसी विश थी कि 26 जनवरी 1920 को वो क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस पूरी तरीके से ले लेंगे। 24 सेलिब्रेट हम क्या बनाएंगे, एंड स्ट्रगल फॉर कंप्लीट फ्रीडम। But it was with the little effect, hence Gandhi ji decided to start more concrete way of movement. तो पर इसका कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, लिटिल इफेक्ट ही पड़ा, और गांधी जी डिसाइड कि वो दूसरे एक और कंक्रीट वे में क्या करेंगे, मूवमेंट को चलाएंगे। गांधी जी सेंट अ लेटर टू वॉइसराय इरविन, ठीक है। अब उस टाइम पे वॉइसराय होते थे, तो वॉइसराय इरविन थे, इनको क्या दिया गांधी जी ने, लेटर सेंड किया। 31 जनवरी 1930 गांधी जी सेंट अ लेटर टू वॉइसराय इरविन, स्टार्टेड 11 डिमांड। इसमें क्या थी, 11 डिमांड्स गांधी जी ने रखी थी। किसको सेंड किया था, इरविन को इन्होंने लेटर सेंड किया था। द आइडिया ऑफ दीस वाइड रेंजिंग डिमांड्स फॉर सर्विंग ऑल क्लासेस फॉर एन यूनाइटेड कैंपेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आइडिया था, वाइड रेंजिंग डिमांड्स फॉर टू ब्रिंग ऑल क्लासेस, मतलब कि सबको, जिसमें जितनी भी 11 डिमांड थी उसमें सारे जो क्लास के लोग थे, मिडिल क्लास थे, अपर क्लास थे, लोअर क्लास थे, सबकी डिमांड्स को देखते हुए गांधी जी ने 11 डिमांड्स इसको भेजी थी इरविन को। ही मोस्ट स्टरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड अबॉलिश सॉल्ट टैक्स। उन्होंने सारी डिमांड को ध्यान में रखते हुए और सबसे सॉल्ट पर भी अब टैक्स लगा दिया था। सॉल्ट ऐसी चीज है जो हमारी एसेंशियल कमोडिटी में इंक्लूड होती है, हमें डेली कमोडिटी है हमारी, तो इस पर क्या लगा दिया, उन्होंने टैक्स लगा दिया था। गांधी जी चूज सॉल्ट एज द मीडियम डेट टू यूनाइट द नेशन एज इट इज कंज्यूम बाय ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो गांधी जी ने जब सॉल्ट पे क्या लगाया, टैक्स लगाया, तो उसको क्या किया गया, यूनाइट कर दिया गया, ठीक है। यूनाइट को, नेशन को यूनाइट करने के लिए गांधी जी ने क्या बोला कि हमको क्या करना है, हम अब सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट में भी क्या करेंगे, मार्च निकालेंगे। द लेटर वॉज एन अल्टीमेटम इफ नॉट डिमांड फॉर फुलफिल नॉट फुलफिल्ड बाय 11th मार्च 1930। अब गांधी जी ने क्या बोला, एक लेटर लिखा, उसमें सारी डिमांड्स रखी। और गांधी जी ने सॉल्ट को क्यों बनाया था, क्योंकि सॉल्ट ऐसी चीज है कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी इसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अब गांधी जी ने बोला, एक अल्टीमेटम दे दिया कि अगर 11 मार्च 1930 तक क्या नहीं होगी, डिमांड्स फुलफिल नहीं होगी, तो गांधी जी क्या करेंगे, फुल सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट क्या कर देंगे, लॉन्च कर देंगे। इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट, लेकिन इरविन ने नेगोशिएट करने की, मतलब उसने बात करने की भी कोशिश नहीं करी गांधी जी से। सॉल्ट और दांडी मार्च बिगेन मार्च 12, 1930 फ्रॉम साबरमती आश्रम टू गुजरात पोस्टल टाउन दांडी। अब जो सॉल्ट मार्च है, आई थिंक सबको पता ही होगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि जिसको हम सोच ही नहीं सकते कि हम इसको क्या करेंगे, स्किप करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सॉल्ट और डांडी मार्च, डांडी क्या है, एक टाउन था, छोटा सा टाउन था, कहाँ का, मतलब है अभी भी गुजरात का, और साबरमती आश्रम में कौन रहते थे, गांधी जी रहते थे। तो उन्होंने साल, जब इरविन ने बात नहीं मानी, मतलब कुछ भी बातचीत ही नहीं करी, तब गांधी जी ने क्या स्टार्ट कर दिया, सॉल्ट मार्च स्टार्ट करा, साबरमती आश्रम से इसको स्टार्ट किया। मार्च 12 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मार्च 12, 1930 गांधी जी वॉज अकम्पेन्ड बाय 78 वॉलंटियर्स, और गांधी जी ने 78 वॉलंटियर्स के साथ उन्होंने इसको स्टार्ट किया। The march was over 240 किलोमीटर and took 24 days. वो 240 किलोमीटर चले और कितने दिन, 24 दिन। कहाँ से निकले थे, साबरमती से, कहाँ जाना था, दांडी जाना था। On 6 April 1930 गांधी जी reached दांडी and broke the salt law by boiling water and manufacturing salt. अब कब पहुंचे, कब निकले थे, 12 मार्च को निकले थे, 6 अप्रैल को कहाँ पहुंच गए, दांडी पहुंच गए। वहां पर उन्होंने, अब दांडी कोस्टल एरिया है तो समुद्र तो होगा पास में, वहां पर क्या बनाया उन्होंने, सॉल्ट बनाया, और सॉल्ट पे जो लॉ लगाया था उसको क्या किया गया, ब्रेक किया गया। दस इट बिगेन द सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट। तो यहाँ से आपका क्या लॉन्च हो गया, क्या स्टार्ट हो गया, सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट लॉन्च हो गया। इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें सॉल्ट मार्च। इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन। अभी मैंने अभी जैसे पूछा था कि नॉन कॉपरेशन, बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट में क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस क्या है, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो अब देखते हैं, पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन बट आल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉ। अब पहले क्या बोला था नॉन कोऑपरेशन में गांधी जी ने कि कोऑपरेट मत करो, लेकिन सिविल डिसऑबिडेंस में उन्होंने क्या बोला कि जो लॉ बना रहे हैं ब्रिटिशर, जितने भी हमारे ऊपर लॉ लगा रहे हैं, उन सबको क्या करो, उनको ब्रेक करो, उनको तोड़ना है हमको, उनका ना बात माननी है, और जितने लॉ बना रहे हैं उसको भी। जैसे सॉल्ट बना के हमने
सॉल्ट हिलों को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो डिफरेंस यही है कि नॉन कॉपरेशन में बात नहीं माननी है, अब यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस में जैसे बोलते हैं ना, हम डिसओबे कर रहे हैं, मतलब बात हम किसी भी चीज को नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, जितने भी लॉ लगा रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको भी क्या करना है, हमको ब्रेक करना है। 1000 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक सॉल्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब अलग अलग पार्ट से लोगों ने क्या करा, सॉल्ट को बनाया, सॉल्ट लोगों को क्या करा, ब्रेक करा और मैन्युफैक्चर करा क्या, सॉल्ट। फॉरेन क्लॉज फॉर बायकॉटेड, अब यहाँ पर नॉन कॉपरेशन जैसे ही देखो सेम है, वहां पर भी फॉरेन गुड्स को क्या किया था, बायकॉट किया था। क्यों सेम है, क्योंकि नॉन कॉपरेशन में भी गांधी जी ने बोला था कि हमको कॉपरेट नहीं करना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ऐसा तो वो कहेंगे नहीं कि हमको कॉपरेट करना है। यहाँ पर एक और चीज ऐड कर दी कि हमको ब्रेक करने हैं सारे लॉ, कॉपरेट तो करना ही नहीं है लेकिन लॉ भी ब्रेक करना है। तो फॉरेन गुड्स वापस से बायकॉट, लिकर शॉप पर पिकेटेड, जितनी भी लिकर शराब की दुकान है वहां पर क्या बैठ के धरना दे रहे थे लोग। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रिवेन्यू एंड चौकीदार टैक्स, अब जो पीजेंट्स थे वो क्या दो टैक्स देते थे, एक आपका रिवेन्यू देते थे अभी थोड़ी देर पहले जिसमें मैंने आपको रिवेन्यू बताया, और चौकीदार टैक्स देते थे। फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ एंड स्टार्ट इंटरिंग इन रिजर्व फॉरेस्ट, जो रिजर्व कर दिए थे इन्होंने फॉरेस्ट ब्रिटिशर्स ने, तो फॉरेस्ट पीपल ने भी क्या करा, फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक करा और वो जबरदस्ती कहाँ इंटर होने लग गए, फॉरेस्ट लॉ में, रिजर्व फॉरेस्ट में इंटर होने लग गए। रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ है तो कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा इसका ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ब्रिटिश गवर्नमेंट वरीड बाय द डेवलपमेंट, अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी अब थोड़ी यहाँ पर क्या हुई, परेशान हुई, वरीड हुई डेवलपमेंट से। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन, अभी तक ब्रूटल रिप्रेशन की पॉलिसी की, हाँ मारना है इनको, उठा के जेल में डालना है इंडियंस को, ये फॉलो था। ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड कांग्रेस लीडर, अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जो कांग्रेस के लीडर थे, क्योंकि इकलौती पार्टी थी मैंने आपको बताया उस टाइम पे, कोई दूसरी पार्टी नहीं थी। वेन अब्दुल गफ्फार खान डिसिपल ऑफ गांधी, ठीक है अब्दुल गफ्फार खान इंपॉर्टेंट है, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। ठीक है इंपॉर्टेंट है, ये डिसिपल थे, बहुत ज्यादा गांधी जी को मानते थे। ठीक है, बहुत अरेस्टेड, एंग्री क्राउड्स डिमॉन्स्ट्रेटेड, अब जब अब्दुल गफ्फार खान को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया, तो जितने भी लोग थे बहुत ज्यादा क्या हो गए, क्राउड्स जो था, जो भीड़ थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। गांधी जी बहुत अरेस्टेड, अब यहाँ पर इन्होंने गांधी जी को भी क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। पीसफुल सत्याग्रही वर अटैक्ड, विमेन चिल्ड्रन वर बीटन अप, पीसफुल जो सत्याग्रह मतलब की शांतिपूर्वक जो सत्याग्रह कर रहे थे उनको भी क्या किया, उन पर अटैक किया, इवन महिला विमेन्स को और छोटे बच्चों को भी क्या किया गया, बुरी तरह मारा गया। अबाउट 1 lakh पीपल वर अरेस्टेड, उस टाइम पे कितने अरेस्ट हुए, 1 lakh अराउंड, ऐसा बताते हैं कि 1 lakh से ज्यादा लोग क्या हुए वहां पर अरेस्ट हुए। सिचुएशन टर्न इनटू वायलेंट अगेन, वापस से क्या हो गया, वायलेंस में सिचुएशन टर्न होने लग गई। फाइनली महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल आउट द मूवमेंट, फिर से सेम जो हिस्ट्री है वापस रिपीट हुई, अब वो किसी भी कीमत पे गांधी जी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे, फिर से उनको क्या करना पड़ा, मूवमेंट को कॉल अप करना पड़ा जैसे उन्होंने नॉन कॉपरेशन किया था। ही एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विद इरविन और मार्च 1950, अब उन्होंने एक पैक्ट मतलब कि एक संधि साइन करी इरविन के साथ, कब, मार्च 1931 को। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, गांधी इरविन एक्ट। अब इसमें क्या कहा गांधी जी ने, On 5th March 1930, Lord Irwin, the Viceroy, signed a pact with Gandhi ji. बात करने के लिए तैयार हुए दोनों। Gandhi ji consented to participate in round table conference. Gandhi ji चाहते थे कि round table conference में participate करना चाहते थे। ये कहाँ पर होती थी? London में होती थी। ठीक है? In December 1931, Gandhi ji went to London for the second round table conference. इसके पहले एक conference हो चुकी थी। Second जो थी Gandhi ji उसमें क्या करना चाहते थे? जाना चाहते थे। बट ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड, लेकिन जब वहां पर से वो वापस आए लंदन से, लेकिन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट उनको मिला। क्यों? क्योंकि वहां पर उनकी वो अपनी बात रखना चाहते थे लेकिन उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। व्हेन गांधी जी बैक फ्रॉम लंदन, ही फाउंडेड मोस्ट ऑफ द लीडर्स वर पुट इन जेल, तब गांधी जी ने जब बात करी थी इरविन से तो उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी थी कि मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, हम लोग क्या कर देंगे, मूवमेंट बंद कर देंगे, सारी चीजें हैं, और जितने भी लीडर्स है जैसे अब्दुल गफ्फार खान, इनको क्या कर दो, आप छोड़ दो। ठीक है, लेकिन जब गांधी जी आए तो उन्होंने तो इसका अपोजिट ही देखा, बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, जेल में थे। कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल, जो कांग्रेस पार्टी थी उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। सीरीज ऑफ मेजर वर टेकन इन टू स्टॉप मूवमेंट, गांधी जी रीलॉन्च सीडीएम, जितने भी सीरीज मतलब जितने भी मूवमेंट चल रहे थे वो भी क्या होने लग गए, धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गए। गांधी जी रीलॉन्च सीडीएम, गांधी जी ने जब देखा तो उन्होंने देखा थी कि वापस क्या करेंगे, वो सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च करेंगे। बट बाय 1934 द मूवमेंट हैड लॉस्ट इट्स मोमेंटम, लेकिन जब वापस उन्होंने लॉन्च करा सीडीएम को, सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट को, लेकिन जैसा मोमेंटम उनको फर्स्ट में मिला था
मतलब जितना उनको रिस्पॉन्स फर्स्ट वाले उसमें मिला था सीडीएम में, वैसा आप सेकंड में नहीं मिला, क्योंकि लोग गांधी जी से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थे कि हम उनका साथ देते हैं, एनसीएम में साथ दिया, सीडीएम में साथ दिया, लेकिन हमेशा क्या कर दिया जाता है, मूवमेंट को वर्ड ऑफ कर दिया जाता है। हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स ने कैसे देखा, जिसमें दो पार्टिसिपेंट थे, एक आपके रिच और पुअर पार्टिसिपेंट, कम्युनिटी पाटीदार लाइक पाटीदार ऑफ गुजरात एंड जाट पीपल वर एक्टिव इन मूवमेंट। अब जब रीलॉन्च हुआ, ये दूसरे सीडीएम की बात हो रही है, इसमें कैसे पार्टिसिपेंट हुआ, तो हाँ ये लोग तो एक्टिव थे, दे एक्सपेक्टेड द रेवेन्यू टैक्स टू बी रिड्यूस, लेकिन ये क्यों इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो रेवेन्यू टैक्स देना पड़ रहा है वो कैसा हो जाना चाहिए, रिड्यूस हो जाना चाहिए। व्हेन द ब्रिटिश रिफ्यूज टू डू सो दे जॉइन द मूवमेंट, अगर ब्रिटिशर्स ने इसको रिफ्यूज कर दिया तो हम क्या कर देंगे, वो क्या करेंगे, मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे। फॉर देम स्वराज वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, तो इनका जो स्वराज था, किसका, जमींदार जो थे, बड़े बड़े पाटीदार जाट थे, इनका स्वराज था कि वो हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे थे। They were deeply disappointed when movement was called off 1931 without revising the revenue rates. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा disappointed हुए थे जब गांधी जी ने CDM को called off कर दिया था without, मतलब कि वो चाहते, उन्होंने participate इसीलिए किया था कि उनके जो revenue देना पड़ता है उसको कम दे, मतलब कि कम कर दें, लेकिन यहाँ पर revenue rates कम नहीं किए गए और CDM को called off कर दिया गया, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा disappointed थे। So they did not rejoin the movement. तो यहाँ पर उन्होंने क्या नहीं करा, rejoin नहीं करा, ठीक। A poor peasant, as the repression continued and cash income dwindled, poor peasant found difficulty pay their rent. अब क्या हुआ, जो जो depression चला था, economic depression था, वो continued था and cash income dwindled हो रही थी। dwindled का मतलब होता है कि बार बार क्या होना, कि decline होना, खत्म हो रही थी। poor peasants found difficulty pay their rent, जो poor लोग थे वो अपना rent भी नहीं दे पा रहे थे। the poor peasants wanted rent of lands to be remitted, poor क्या चाहते थे कि जो rent है उसको remitted कर दिया जाए, उसको या तो थोड़ा सा उसमें हमको रिलीफ मिलना चाहिए। द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट द नो रेंट कैंपेन, पर कांग्रेस ने किसको सपोर्ट नहीं करा, पुअर को सपोर्ट नहीं करा। द कांग्रेस नॉट इंटरेस्टेड टू अपसेट द रिच पीजेंट्स एंड एंड लैंडलॉर्ड्स, और ना ही कांग्रेस इंटरेस्टेड थी टू अपसेट द रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स। इन केस में इन्होंने दोनों ने, कांग्रेस में ना पुअर पीजेंट्स ना रिच पीजेंट्स, दोनों में क्या नहीं दिखाई, अपनी इंटरेस्ट को नहीं दिखाया। How participants of the movement, अब देखते हैं इसके आगे, business class में कैसे respond किया to organize business interest from the Indian Industrialist and Commercial Congress in 1922. Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industry, FICCI, फिक्की भी कहा जाता है इसको, अभी भी है ये 1927 में, इसको किसने बनाया, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे और बिजनेसमैन थे। After the war, their huge profits were reduced, want protection against the import of foreign goods. अभी ये लोग अपना प्रोडक्शन करते थे, लेकिन यहाँ पर इनका क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर वन चला तो फॉरेन गुड्स की डिमांड को फुलफिल करने की वजह से इनका जो ह्यूज प्रॉफिट था वो क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था। द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज, वरी ऑफ प्रोलॉन्ग बिजनेस डिस्ट्रप्शन, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंग द यंग कांग्रेस फोर्स एंड टू जॉइन द मूवमेंट। अब यहाँ पर ये क्या करना चाहते थे, वरी थे, क्योंकि बहुत टाइम से बिजनेस उठ नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, और कांग्रेस फोर्स देम नॉट टू जॉइन द मूवमेंट, कांग्रेस उनको फोर्स करती थी कि मूवमेंट को ज्वाइन नहीं करो। इंडस्ट्रियल वर्कर का क्या था, दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर एक्सेप्ट इन नागपुर, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा, सिर्फ नागपुर से अच्छे मेंबर्स में लोगों ने पार्टिसिपेट करा। सिंस इंडस्ट्रियलिस्ट वर क्लोज टू द कांग्रेस वर्कर स्टेट अलॉट, अब यहाँ पर क्या था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे बड़े बड़े वो किससे कनेक्टेड थे, कांग्रेस से थे, और यहाँ पर जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ऑनर थे और जो पुअर थे उनके बीच में भी क्या चलते थे, क्लैशेस चलते रहते थे। बट सम वर्कर्स सेलेक्टिवली अडॉप्टेड द आइडियाज ऑफ गांधीयन प्रोग्राम, लेकिन कुछ ही वर्कर्स ने गांधीयन प्रोग्राम को क्या किया, अडॉप्ट किया। रेलवे वर्कर 1938, डॉक वर्कर टू पार्टिसिपेट इन सीडीएम, ये अपोजिट लिखा गया, डीसीएम ये सीडीएम है। रेलवे वर्कर जो थे उन्होंने, और डॉक वर्कर जो अपने शिप में जो काम करते हैं, उन्होंने क्या करा, पार्टिसिपेट करा। कांग्रेस वाज रिलकेंट टू इंक्लूड वर्कर डिमांड, कांग्रेस क्या थी, रिलकेंट थी वर्कर्स की डिमांड के लिए, मैं जानती थी। कांग्रेस फेल्ट दैट इट वुड एलियट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड एंटी इंपीरियल पावर, कांग्रेस चाहती थी कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या करे, सपोर्ट करे और एक एंटी इंपीरियल फोर्स के लिए उनको क्या करे, तैयार करे। इंपीरियल का मतलब भी यहाँ पर ब्रिटिश पावर से ही है, वैसे ये वाला जो पार्ट है इसमें से ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बनता नहीं है, लेकिन हम ठीक है फिर जो हमने इसको पढ़ लिया है। हाउ पार्टिसिपेंट्स, अभी भी यही वाला चल रहा है, तो वुमेन्स ने कैसे पार्टिसिपेट, हाँ वुमेन्स वाला जो पार्ट है ये क्वेश्चन आता है, हाउ वुमेन्स पार्टिसिपेट इन सीडीएम, कैसे उस टाइम पे वुमेन्स का क्या रोल था, ये वाला क्वेश्चन आता है, लेकिन आपसे इंडस्ट्रियल वर्कर और इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। वुमेन लार्ज नंबर पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो वुमेन थी उन्होंने बहुत लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया था। ड्यूरिंग साल्ट मार्च थाउजेंड ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू गांधी जी, जब साल्ट मार्च चल रहा था तब बहुत सारे वुमेन्स गांधी जी को सुनने के लिए आया करती थी। द
दे पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट मार्च मैन्युफैक्चरर्स ऑल, उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था सॉल्ट मार्च को, ब्रोक भी किया था, दे पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ एंड लिकर शॉप, ठीक है, इन्होंने फॉरेन क्लॉथ के उस पर पिकेटेड का मतलब होता है धरना देना, ठीक है, लिकर शॉप के आगे भी क्या किया था बहुत ज्यादा उन्होंने रैलीज में पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारी जेल भी गई, दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन एज अ सेकंड ड्यूटी ऑफ वुमेन, वो भी एक अपनी सर्विस समझती थी कि हमको भी नेशन को क्या करने के लिए, नेशन बनाने के लिए, मतलब उस टाइम पे तो नेशन नहीं बोल सकते क्योंकि ब्रिटिशर्स का रूल था, तो उसके लिए ये भी क्या थी अपनी सर्विस देना चाहती थी, येट देयर वाज नो रेडिकल चेंज इन वे द पोजीशन ऑफ वुमेन वाज विजुअलाइज्ड, तो वो ऐसा मानती थी कि कोई ऐसा चेंज जब तक नहीं आएगा जब तक कि वुमेन्स को आप विजुअलाइज नहीं करोगे, वुमेन्स को साथ में लेके नहीं चलोगे। गांधी जी वाज कन्विंस्ड दैट द ड्यूटी ऑफ वुमेन वाज टू लुक आफ्टर द होम एंड हेल्थ, पर गांधी जी ने क्या कहा उनको कि नहीं वुमेन्स को कहा होना चाहिए, उनकी क्या ड्यूटी है कि वो घर का ख्याल अच्छे से रखे, घर में रहे और घर वालों का और घर की हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखे, मतलब उनकी जो ड्यूटी होती है वुमेन्स की वो घर में होती है। दे शुड बी गुड मदर्स एंड वाइफ्स, वो कैसे होना चाहिए सिर्फ गुड मदर्स और वाइफ्स के रूप में ही गांधी जी देखते थे। द कांग्रेस वाज रिलकेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन कांग्रेस सपोर्ट में थी कि हाँ वुमेन्स को क्या कर सकते हैं, अलाउ टू वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज ओनली ऑन देयर सिम्बोलिक प्रेजेंस, ठीक है, उस टाइम पे सिम्बोलिक प्रेजेंस भी थी, जैसे कि हम भारत माता जो क्या है वो भी एक वुमेन एलगरी है और वो क्या है हमारा एक सिम्बोलिक प्रेजेंस भी है। लिमिट्स ऑफ सीडीएम, ये क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द लिमिट्स ऑफ सीडीएम, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है, अब लिमिट्स क्या थी, क्या किस वजह से सीडीएम में क्यों कॉल्ड अप हुआ, द दलित और द अनटचेबल्स ने मोमेंटम क्यों नहीं मिल पाया सीडीएम को, द दलित और द अनटचेबल्स डिड नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, ठीक है, जो दलित थे जो लोअर कास्ट के थे वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए, दे डिमांडेड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, अब यहाँ पर इनकी भी अलग कहानी चल रही थी कि इनको क्या क्या गया था, जो अपर कास्ट के द्वारा इनको बहुत ज्यादा रिप्रेस सप्रेस किया गया था, तो इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ये अपनी रिजर्वेशन चाहते थे सीट्स में, जो भी रिजर्वेशन दिया जाता है एस सी और एस टी को, सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहते थे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब होता है जैसे कि पाकिस्तान बन गया एक दूसरा ही देश बन गया, तो ये भी अपना एक दूसरा देश सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड कर रहे थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द लीडर ऑफ द दलित फार्मर्स एसोसिएशन इन 1930 कॉल्ड द डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, अब इनके लीडर कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे, इन्होंने कौन सा एसोसिएशन बनाया, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाया था, ही क्लैशेस विद गांधी जी इन इशू ऑफ रिजर्वेशन, और उनकी गांधी जी से क्लैशेस भी हुए रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, इन सेप्टेम्बर 1932 पूना पैक्ट बिटवीन द गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर के रिजर्व सीट्स टू डिप्रेस क्लास, अब एक एक्ट साइन हुआ किसके बीच में, गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के, इन लोगों ने डिमांड कर दी थी बी आर अम्बेडकर ने कि हम एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते हैं, और उसी टाइम पे पाकिस्तान की भी बात चल रही थी, मुस्लिम लोग भी अपना एक अलग देश चाहते थे, तो यहाँ पर गांधी जी ने बोला कि हमें एक टुकड़ा तो होना ही होना है, तब भी हम समझ चुके थे कि पाकिस्तान तो बनना ही, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि नहीं हमें एक और पार्ट नहीं चाहता कि इंडिया का एक और टुकड़ा हो, तो गांधी जी ने बी आर अम्बेडकर से कहा कि वो रिजर्वेशन दिलवाएंगे, वो सेपरेट बी आर अम्बेडकर जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं करे, गांधी जी ने कहा कि अगर वो नहीं मानेंगे, अगर इसका एक और टुकड़ा हुआ तो मैं अपना अन्न वगैरह सब कुछ त्याग करके क्या कर दूंगा, अपने प्राण को त्याग दूंगा, तो यहाँ पर फिर बी आर अम्बेडकर ने उनकी बात मानी और इनकी रिजर्वेशन पे बात हुई, बट दे वर टू बी वोटेड बाय जनरल इलेक्टोरेट, द दलित मूवमेंट कंटिन्यू टू बी अप्रेंसिव ऑफ द कांग्रेस लीड नेशनल मूवमेंट, तो यहाँ पर जो दलित मूवमेंट था ये भी चल ही रहा था, मतलब इनका मूवमेंट अलग चल रहा था, तो यहाँ पर क्या था कि इस वजह से लिमिट्स थी कि बहुत सारी क्लासेस के लोग क्या नहीं हो पाए, पार्टिसिपेट इसमें नहीं कर पाए थे, इसलिए इतना मोमेंटम इसको नहीं मिल पाया। मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर लुकवॉर्म टू द सीडीएम, ठीक है, ये भी एक रुकावट, लुकवॉर्म का मतलब होता है कि एक परेशानी, मतलब कि एक रुकावट आना, ये भी थी सीडीएम में। फ्रॉम मिड 1920 द कांग्रेस इजुअली एसोसिएट विद हिंदू महासभा, मिड 1920 में कांग्रेस ने एक हिंदू महासभा को एसोसिएट किया था। ग्रेजुअली हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस एंड रायट्स स्टार्टेड, अब उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम के भी झगड़े चल रहे थे, रायट्स का मतलब होता है दंगे हो रहे थे बहुत ज्यादा। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ट्राई टू रीनेगोशिएट द अलायंस, अब जो मुस्लिम लीग अलग थी और जिसमें मुस्लिम लीडर्स थे और कांग्रेस, ये लोग रीनेगोशिएट करने की ट्राई कर रहे थे। द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना वांटेड रिजर्व सीट्स फॉर मुस्लिम इन सेंट्रल असेंबली, अब यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के फाउंडर कहे जाते हैं, ये भी क्या मान रहे थे, ये भी एक अपना अलग से रिजर्व सीट्स का डिमांड कर रहे थे। दे डिमांड फॉर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन मुस्लिम एंड डोमिनेंट रीजन बंगाल एंड पंजाब, सबसे ज्यादा उस टाइम पे बंगाल और पंजाब में मुस्लिम थे, तो ये वहाँ पर रिजर्वेशन चाहते थे। इन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 1928 मोहम्मद अली जयकर स्ट्रॉन्गली अपोज द कॉम्प्रोमाइज, यहाँ पर जो मोहम्मद अली जयकर थे इस कॉम्प्रोमाइज के लिए, मतलब मुस्लिम को रिजर्वेशन देने के साफ साफ अपोज में थे।
in the time of CDM, some Muslim leaders and intellectual expression concerned about their status as minority. तो जब CDM चला था तो मुस्लिम लीडर और बहुत सारे ऐसे लोग अपनी माइनॉरिटी को लेके कि हम कम है तो कल को हमारे साथ भी बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए, इस वजह से ये लोग अपने माइनॉरिटी को लेके चिंतित थे. They even feared about the culture and identity. वो अपनी आइडेंटिटी और उनकी कल्चर को दबा ना दिया जाए, सप्रेस नहीं कर दिया जाए, इसके लिए भी वो बहुत ज्यादा डर में थे. लास्ट सेक्शन ऑफ मुस्लिम डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट. तो दलित ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था और यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स ने भी CDM में क्या नहीं किया था, पार्टिसिपेट नहीं किया था. द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, लास्ट टॉपिक, नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन. अब क्या होता है कलेक्टिव बिलोंगिंग का, मतलब होता है कि सबको इकट्ठा होके एक जैसे सोचना है. मतलब जैसे आज हम लोग सब इंडियंस इंडिया के बारे में एक जैसी हमारी फीलिंग है, लव की फीलिंग है, रिस्पेक्ट की फीलिंग है, तो ये उस टाइम पे नहीं थी. उस टाइम पे कैसे आएगी, तो ये भी एक टास्क था कि इसको भी लोगों के मन में लेके आना था लीडर्स को कि हाँ लोग सब एक जैसा सोचे, देशभक्ति की जो भावना होती है. नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव देयर दैट आर पार्ट ऑफ द सेम नेशन. नेशनलिज्म स्प्रेड कब होता है, जब लोग क्या सोचे कि हम बिलीव करें कि हम एक ही नेशन के हैं, एक ही कंट्री के हैं. They discover unity through development of sense of collective belonging. तो वो क्या discover करना जरूरी थी कि unity, जैसे हिंदू मुस्लिम झगड़े हो रहे थे, जो आपकी से repressed class थी, lower class थी, वो अलग सोच रही थी, तो हमको अभी unity करने की बहुत ज़रूरत है. It developed through united struggle and process, cultural process. ठीक है, ये कैसे develop होता है, unite struggle, साथ में struggle करें और culture process के through history and fiction, folk tales and songs. अब उस time देशभक्ति के जो बहुत सारे गीत होते थे, history थी. अब history तो हमारी same है ना, आज हम जितने भी इंडिया में इंडियंस, हमारी हिस्ट्री सेम है, हमारा पास्ट सेम है कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया. तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, अपना एक कनेक्शन देखते हैं कि हमारा आपस में कनेक्शन है. तो यहाँ पर ये कनेक्शन कैसे बनाया गया, फिक्शन स्टोरी सुनाई गई, फोक फेयर पोएम सॉन्ग सुनाए गए देशभक्ति वाले, पॉपुलर फिल्म सिंबल एंड ऑल प्लेड अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म. जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे उनको प्लेन नुक्कड़ जो नौटंकी होती थी, नाटक होते थे, उसके जरिए उनको सब दिखाया गया, सिम्बॉल्स के थ्रू समझाया गया कि हम लोग क्या है, एक है, यूनाइटेड. The national identity symbolized in a figure of image. ये वाली जो इमेज है, ठीक है, ये भारत माता की इमेज है. तो फिर इसके थ्रू हमने एक इमेज को, एक कैलगरी को यूज किया. 20th century identity of India visualized through the image of भारत माता. तो हम कैसे विजुलाइज करते हैं भारत माता के, उसको विजुलाइज करते हैं. द फर्स्ट भारत माता इमेज वॉज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. जो पहली भारत इमेज थी वो किसने बनाई थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको बनाया था. मूव्ड बाय स्वदेशी मूवमेंट रवींद्रनाथ टैगोर पेंटेड इमेज ऑफ भारत माता. फिर बाद में स्वदेशी मूवमेंट जब चला तब इसको रवींद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, पेंट किया था. इट इज अ पोर्ट्रेट एज एन एसेटिक फिगर. मतलब एसेटिक फिगर जो स्पिरिचुअल जो साध्वी है, देखो ऑरेंज कलर की, उन्होंने जो साधु महात्मा होते हैं वैसी ड्रेस में उनको दिखाया गया. शी इज काम कंपोज डिवाइन एंड स्पिरिचुअल. ये कैसी थी, बहुत ज्यादा काम, एकदम शांत, ठीक है, स्पिरिचुअल और डिवाइन, भगवान में सारी चीजें हमारा बिलीव रखने वाली डिवाइन. In 1870 he wrote Vande Mataram, hymns of the motherland. और फिर 1870 में बंकिम चंद चट्टोपाध्याय ने एक हिम्स लिखा जो हमारा क्या है, नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम. He wrote a novel आनंद भट्ट. इन्होंने ही आनंद भट्ट नॉवल लिखी. Moved by स्वदेशी मूवमेंट रवींद्रनाथ टैगोर पेंटेड इमेज ऑफ भारत माता. इट इज अ पोर्ट्रेट एज एन एसेटिक. ये रिपीट हो गया है इसमें, ठीक है. तो ये यहाँ तक है अपना आइडिया ऑफ नेशनलिज्म थ्रू इंडियन फोकफेयर. अब कैसे आइडिया आया नेशनलिज्म का, मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकफेयर नेशनलिस्ट बिगन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स संग बाय बलार्ड से, पोएम्स सुनाई गई. दे टूर विलेज टू विलेज गेदर फोक सॉन्ग एंड लीडर. लोग टूर करते थे विलेज टू विलेज, जाके लोगों को सॉन्ग सुनाया करते थे देशभक्ति के. इट वॉज ब्रीडेड फोकफेयर गिव ट्रू पिक्चर एंड ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर. इनको बिलीव था कि फोकफेयर के थ्रू हम क्या कर पाएंगे, ट्रेडिशनल पिक्चर जो है हमारी वो दिखा पाएंगे. फोक कल्चर गिव्स और नेशनल आइडेंटिटी. फोक कल्चर एक अपनी भी एक क्या होती है, उसमें नेशनल आइडेंटिटी होती है, ठीक है. फोक कल्चर हेल्प रीस्टोरिंग सेंस ऑफ प्राइड. जो फोक कल्चर है वही क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है सेंस ऑफ प्राइड. रवींद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ कलेक्टेड बलार्ड्स. उन्होंने बहुत सारी बनाई, नर्सरी रिदम्स एंड मिथ्स बनाई. लीड अ मूवमेंट फॉर फोक रिवाइवल. नतीशा शास्त्री पब्लिश ने 4-volume कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स. यहाँ पर आप तमिल में, तमिल लैंग्वेज में नताशा शास्त्री ने बहुत सारी फोक फेयर सॉन्ग सुनाए. देट वॉज द फोक फेयर ऑफ सदर्न इंडिया. ही बिलीव दैट फोक फेयर एंड नेशनल लिटरेचर इट वॉज द मोस्ट ट्रस्टवर्थी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल रियल थॉट्स एंड कैरेक्टर. उनका बिलीव था कि फोक फेयर के थ्रू हम लोगों को रियल जो है ट्रस्टवर्थी मैनिफेस्ट कर पाएंगे, पीपल को इकट्ठा होने के लिए, गैदरिंग करने के लिए. आइकन्स एंड सिम्बल्स पर पॉपुलराइज टू यूनिफाई. बहुत सारे आइकन्स आए, बहुत सारे सिम्बल्स के थ्रू लोगों को यूनिफाइड किया गया. During स्वदेशी मूवमेंट बंगाल ऑफ ट्राइकलर फ्लैग वाज डिजाइन रेड ग्रीन एंड येलो.
पहले जो हमारा फ्लैग था उसमें तीन कलर थे, रेड ग्रीन येलो. इट हैज एट लोटस रिप्रेजेंटिंग एट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया. पहले उसमें एट लोटस थे, ठीक है. इट हैज क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम. आपने देखा होगा पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसमें क्या है, क्रिसेंट जो मून है, ऐसा क्रिसेंट मून जो बना हुआ है और ऐसा स्टार बना हुआ है. तो पहले हमारे फ्लैग में भी हमने इसको वो किया था जब पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं बना था. स्वराज फ्लैग बना 1920, गांधी जी ने इसको डिजाइन किया था. इसमें ट्राई कलर रेड ग्रीन एंड व्हाइट थे. अ स्पिनिंग व्हील इज सेंटर रिप्रेजेंटिंग द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प. गांधी जी सेल्फ हेल्प में भी बहुत बिलीव करते थे कि अपना काम खुद करो, खुद की हेल्प करो. तो एक जो चरखा होता है, जो स्पिनिंग व्हील होता है, आपने देखा होगा कि अभी तो है जिसमें कितनी कितनी लाइन है, 24 लाइन्स है, ठीक. कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग अलॉट ड्यूरिंग द मार्च बिकेम सिंबल ऑफ डिफेंस. तो पहले क्या होता था, उस टाइम पे ये लोग कैरी करते थे, जितने भी सिंबल्स होते थे उनको कैरी किया जाता था, फ्लैग को कैरी किया जाता था. आइडिया ऑफ नेशनलिज्म थ्रू रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है. बाय समझ लेते हैं, ऐसा कुछ सच इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है. बाय एंड ऑफ 19th सेंचुरी देयर वाज सेंस ऑफ प्राइड टू बी इंस्टेड. ब्रिटिश ट्राइड डीफेमिंग इंडियंस. ब्रिटिश ने भी ट्राई किया कि वो डीफेम करे इंडियंस को. इन रिस्पॉन्स इंडियन बिगिन ग्लोरीफाइंग इंडियन ग्रेट अचीवमेंट. लेकिन इससे बहुत अचीवमेंट मिला फोक फेयर और इस आइडिया से, सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग से बहुत ज्यादा हमको लोग क्या हुए, यूनाइट हुए. इंडिया ग्लोरियस डेवलपमेंट इन डिफरेंट फील्ड. द ग्लोरियस टाइम वाज डार्केंड बाय कॉलोनियल रूल. जो ग्लोरियस टाइम था वाज क्या था, उसके बाद का था कॉलोनियल रूल का. नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस अर्ज रीडर टू टेक प्राइड इन इंडियन अचीवमेंट. जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस थे वो रीडर्स टू टेक प्राइड इंडियंस अचीवमेंट. दे इनकरेज पीपल टू स्ट्रगल टू चेंज द मिसरेबल कंडीशन. लोग उनको इनकरेज करते थे, क्या कहते थे कि जो मिसरेबल कंडीशन है आपकी, जो दयनीय वाली की हम ब्रिटिशर्स की दया पे उस पर डिपेंड में, तो इसको हमको चेंज करना है. ऐसे करके लोगों को बताया गया कि हमको क्या करना है, आजादी पानी है, हमको यूनाइट रहना पड़ेगा. कंक्लूजन द एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रॉक पीपल टूगेदर. अब ये देखो ये भी एक इमेज के थ्रू समझाया गया है. द कांग्रेस अंडर गांधी जी ट्राई टू चैनल पीपल ग्रेवियंस ऑर्गेनाइज इन टू मूवमेंट. जो कांग्रेस थे वो गांधी जी ट्राई कर रहे थे कि लोगों को क्या करें, इमर्ज करें साथ में. बट दिस यूनिफिकेशन वाज नो इजी टास्क बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी. लेकिन ये जो यूनिफिकेशन करने की बात हो रही थी, इतना इजी टास्क नहीं था, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो है ही सही, अभी भी डाइवर्सिटी, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में किसी भी कंट्री में. इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसयूनिटी ऑफन नोटिस. धीरे जो इनर आपस में लोग क्या थे, कॉन्फ्लिक्ट करते रहते थे, लड़ाई चलती रहती थी. मैनी वॉइसेज वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल ग्रेटी रूल हैड इमर्जिंग इंडिया एज अ स्ट्रॉन्ग नेशन. बहुत सारी आवाजें आई फ्रीडम के लिए उस टाइम पे, बहुत सारे लोग आगे आए. तभी आज हम क्या कर रहे हैं, आजाद देश में घूम पा रहे हैं. सब लोगों ने अपना बहुत ज्यादा क्या किया है, बलिदान दिया है, स्ट्रगल किया है. तो ये सारा जो था सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का था. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको उसमें बताया है वीडियोस में, कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे चोरी चोरा है, एनसीएम है, इसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं. तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग से बहुत कम ही क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन फिर भी मैंने इसमें आप लोगों को बताया है कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की बस फोक फेयर और ये सारी चीजें इसमें आई. हमने सिम्बॉल्स बनाए, हमने आर्ट कल्चर के थ्रू समझाया, ठीक है. अब इस चैप्टर का मैंने आपको 3 मार्क के क्वेश्चन बता दिए, ओनली मैप पार्ट बचा है. तो मैप पार्ट जब मैं पूरा मैप पार्ट करवाऊंगी उसमें आपको नेशनलिज्म इंडिया से आपके 2 मार्क का मैप आएगा, तो वो भी हम इसमें करेंगे. तब तक के लिए अभी आप लोग इतना पढ़िए जितना समझाया, इन क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से हमको लर्न करना है. ओके, थैंक यू.